हेलो एवरीवन। सो फाइनली आईसीआई ने बिजनेस लॉज और बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया है। मैं वतन शर्मा, फैकल्टी मेंबर एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपके लिए लाया हूँ इस मॉक टेस्ट पेपर के बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पार्ट का डिस्कशन। गाइज, इस डिस्कशन के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने एक दो वीक पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, ये सबसे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था हाउ टू स्कोर मोर देन 35 मार्क्स। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को आप अगर बनाए होंगे तो उन बच्चों को पता है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिवली वो इसको अटेंड कर पाए होंगे। आपको उस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ अपने स्क्रीन पे टैप करना है, और जैसे ही आप स्क्रीन पे टैप करेंगे एक राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आई का सिंबल बनेगा, उस आई को क्लिक करिए और आपको वो वीडियो दिख जाएगा। आप वो वीडियो को ज़रूर देखें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का डिस्कशन। पेपर टू सेक्शन बी, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क का, मतलब 50 नंबर, बट सर क्वेश्चन पेपर तो 40 मार्क्स का होता है, तो आप आगे भी तो पढ़िए। नंबर 1 इज कंपल्सरी आउट ऑफ क्वेश्चन 2, 2, 5 एनी 3। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 में 2, 2, 3, 4, 5 इन 4 क्वेश्चन में से आपको एनी 3 बनाना है, एनी 3। तो क्वेश्चन गाइज, एक चीज बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, दैट मीन्स कि उनको ये क्वेश्चन पहले बनाना है। नहीं, आपको ये क्वेश्चन बनाना ही है, आपको जो टोटल 4 क्वेश्चन बनाने हैं उसमें से चॉइस इनमें बस है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको बनाना ही है, बट पहले बनाना ये कहीं नहीं लिखा है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन होता है ये हमेशा होता है कॉम्प्रहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग, जिसमें आपको 2 पैसेज रहते हैं कॉम्प्रहेंशन के लिए और एक नोट मेकिंग के लिए, और वो दोनों पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करना रहता है और एक में नोट बनाना रहता है और समरी लिखना रहता है। तो वो बहुत पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आप उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं, ऐसा चांसेस है। और अगर आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो लास्ट में आपके पास वैसे ही कम टाइम लेता है रहता है, तो आप इसको थोड़ा स्पीड से ही बनाएंगे। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि नोट मेकिंग और कॉम्प्रहेंशन पैसेज को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये पहली बात गाइस। और बचे जो 2, 3, 4, 5, ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें से जो चारों में से जो ऑप्शन रहता है इसका जो सेकेंड क्वेश्चन होता है, मेरे हिसाब से इसको भी आप कंपल्सरी मानिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में हमेशा राइटिंग पार्ट जो पूछा रहता है उसमें प्रेसी राइटिंग पूछता है, और प्रेसी राइटिंग हर साल पूछता है, और हर साल पूछता है मतलब आपको प्रेसी राइटिंग हमेशा पढ़ना ही है। तो आप मेरे हिसाब से तो ये मानिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, साथ में सेकेंड भी कंपलसरी है, और आपको जो ऑप्शन है उसमें से क्या है 3, 4, 5 में से एनी 2। तो उससे क्या होगा, ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपका एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेगा, बहुत अच्छे से आप घर से प्रिपेयर करके प्रेसी राइटिंग पढ़ के जाएंगे और इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर एक टाइम इस चीज़ का भी बचेगा कि आप चॉइस करने में भी टाइम बचेगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे को सेलेक्ट करने हैं। 4 में से 3 सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 में से 2 सेलेक्ट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, तो ये आपका सिलेक्शन रहेगा। गाइज, मैं वीडियो के जब पूरा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हो जाएगा तो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरे हिसाब से पहले किसको बनाना चाहिए, मतलब कौन से 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने चाहिए थे। तो लेट्स स्टार्ट गाइज, मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, अपन पैसेज को एंड में डिस्कस करेंगे, पहले अपन आते हैं उल्टा बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन से गाइज स्टार्ट करने वाले अपन, लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले। तो गाइज, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज जेंडर बैरियर इन कम्युनिकेशन, ये स्ट्रेट फ्रॉम द चैप्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको देगा 6 मार्क्स। देखिए, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के 3 टोटल 4 क्वेश्चन जिसमें से 3 आपको बनाने रहेंगे, तो कम्युनिकेशन चैप्टर आपको स्ट्रेट 6 मार्क्स देगा, 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। आपको बस अगर आप थॉरली बुक आईसीआई की पढ़ के आए हैं तो आप इस आंसर को फटाफट लिख दे सकते हैं। जेंडर बैरियर, जेंडर बैरियर का अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो जेंडर बैरियर में ये है कि ऑफिस में मतलब ऐसा माना जाता है कि मेल लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, फीमेल लोग थोड़ा काम कम करके देते हैं, और जेंडर बायस सोसाइटी है जहाँ पे अगर कोई फीमेल
हायर हायरार्की में है तो मेल उनसे ऑर्डर लेने में थोड़ा ऐसा फील करते हैं कि उनका ईगो हर्ट हो गया, तो ये जेंडर बैरियर है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइस। एंड गाइस वन मोर थिंग, दो टॉपिक है कम्युनिकेशन के अंदर, बैरियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 7-8 पॉइंट है। तो आप मेक श्योर कि सारे पॉइंट को याद करें, ऐसा नहीं कि कोई 4 पॉइंट याद कर ले, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट उठा के भी पूछ सकता है जैसे इसमें पूछा गया जेंडर बैरियर। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन चैप्टर से, वेरी डूएबल। चलिए गाइस नेक्स्ट आते हैं अपन। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। ग्रामर पोर्शन आ गया, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी से एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी तक जितने भी 4 से 5 अभी तक क्वेश्चन मेन एग्जाम्स हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चन पेपर में इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम आया ही है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स आया ही है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं बताना चाहूँगा कि एक्सेल में हम डेली बेसिस पे एंटोनिम, सिनोनिम के क्विज करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। डेली बेसिस पे बच्चों की वोकेबलरी हम एनहेंस कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो गाइस देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेजेस गिवन बिलो। बाय लीप्स एंड बाउंड, बाय लीप्स एंड बाउंड, वेरी फास्ट, वेरी सो, इन डिटेल, एमलेसली। तो गाइस बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी क्विकली, एक्चुअल में इसका मतलब होता है वेरी क्विकली मतलब वेरी फास्ट। तो इसका आंसर है ए। सेकेंड, लायन शेयर बहुत ईजी है, ये तो बुक शायद ये ICI के स्टडी मटेरियल पे है एकदम, या फिर ये क्वेश्चन, क्योंकि देखा देखा लग रहा है ये क्वेश्चन शायद मैंने जो टेलीग्राम क्विज होता है उसमें दिया था। गाइज लायन शेयर मतलब होता है बड़ा शेयर, बड़ा शेयर मतलब मेजर शेयर। तो गाइज ये इसका आंसर है। गाइज नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच आ गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। देखते हैं गाइज, शी सेड टू हर व्हाई डिडंट यू गो टुडे, शी सेड टू हर व्हाई डिडंट यू गो टुडे। गाइज बहुत ध्यान से बनाना रहता है आपको स्पीच। चलिए देखते हैं गाइस, शी सेड टू हर, ये आपका यह होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, मतलब ये जो रिपोर्टेड पार्ट है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि पास्ट टेंस में है, तो ये जो रिपोर्टेड पार्ट है इसका टेंस चेंज होगा। अब देखते हैं रिपोर्टेड पार्ट कौन सा टेंस है। एक तो डिडंट दिख रहा है मतलब हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में भी वाई डिडंट है मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल पास्ट जो होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, अगर आपने बहुत अच्छे से याद होगा, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। वन मोर थिंग, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव एसर्टिव में चेंज होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस में चेंज होता है, नेगेटिव में। तो गाइज इसका आंसर बहुत ध्यान से देखिए, जितने भी एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं बुक्स में बहुत सारे ऑलमोस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस है एक्सेल की बुक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, अगर वो अच्छे से किए तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। तो शी सेड टू हर, तो हो जाएगा शी आस्ट हर। गाइस सेड टू की जगह आस्ट क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। शी आस्ट हर व्हाई डिडंट यू गो टुडे। तो गाइस क्या होता है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड को बनाने का तरीका ये होता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्वेश्चन वर्ड ही लगता है। तो शी आस्क्ड हर व्हाई डिडंट यू, तो ये जो यू यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, हर के लिए, तो यू की जगह आ जाएगा शी। शी आस्क्ड हर व्हाई शी हैड हैडन, शी आज हर वाई शी हेडन, शी सेट टू हर वाई डिडंट यू गो टूडे। शी सेट टू की जगह हो जाएगा आज, शी आज हर वाई शी हेडन, और हेड के साथ लगता है गॉन, हेड के साथ लगता है वर्ड का थर्ड फॉर्म, तो वाई शी हेडन गॉन टूडे का दैट दे, और फुल स्टॉप। गाइस क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है एजर्टिव में, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये होगा सिंपल नेगेटिव में चेंज। तो शी आस्क्ड हर व्हाई शी हैडन गॉन दैट डे, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये आपको 2 मार्क मिल गया कम्युनिकेशन से, 2 मार्क मिल गया इडियम्स फ्रेजेस से, 1 मार्क मिल गया आपको स्पीच से, टोटल 5 मार्क्स मिल गए। अब 5 मार्क्स का गाइस हमेशा पूछा जाता है राइटिंग पार्ट, तो राइटिंग पार्ट में देखते हैं क्या क्या, 2 ऑप्शन है आपके पास, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन है। तो यू आर अ सीनियर पर्सन ऑफ अ फूड चेन विच हैज सफर्ड सीवियर लॉसेस ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द वायरस पेडमिक। प्रिपेयर
प्रिपेयर मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्कसिंग द फ्यूचर प्लान्स विद रिगार्ड्स टू अपलिफ्टिंग द बिजनेस इंक्लूड डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग रिटेल हेड सप्लाई चेन हेड प्रोक्योरमेंट पर्सनल एंड अदर सीनियर मेंबर्स. तो गाइज आपको बनाना है मिनट्स ऑफ मीटिंग. तो मीटिंग चैप्टर है गाइज, उसमें तीन चीज़ें होती है, या तो एजेंडा बनाने को आता है, या तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, या तो एक होता है ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट. तो लेट्स सी गाइज, आपको बनाना है मिनट्स ऑफ मीटिंग. और जैसा कि बच्चे हमेशा पूछते हैं सर मिनट्स ऑफ मीटिंग हार्ड होगा कैसे बनाएंगे, गाइज हमेशा से मैंने बताया आपको डेजिग्नेशन मेंशन रहता है कि कौन से डेजिग्नेशन के लोग मीटिंग में पार्ट लिए हैं. आपको बस सिंपल सा लिखना रहता है कि उन्होंने क्या कहा, और क्या कहा भी एकदम एक वर्ड में. तो देखते हैं सबसे पहले तो गाइज, अगर आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट याद होगा तो पहले डेट आता है, फिर डेट आने के बाद आता है कि मीटिंग स्टार्टेड एट दिस टाइम, कोई भी आप टाइम ले सकते हैं, और आप सीनियर पर्सनल का कोई भी नाम दे सकते हैं. तो उन्होंने दिया इंट्रोडक्शन. उसके बाद गाइज आपको पता है कि कौन कौन इंक्लूड है, डायरेक्टर है सेल्स मार्केटिंग, रिटेल हेड है, सप्लाई चेन हेड है, प्रोक्योरमेंट पर्सनल. ये गाइज प्रोक्योरमेंट पर्सनल कौन होता है, जो सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सप्लाई और रेट्स वगैरह, और एक निकालते हैं ओवरव्यू कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, वो होते हैं, और अदर सीनियर मेंबर्स. तो गाइज बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 लोग हैं, और बाकी सीनियर मेंबर्स आप एकाध अगर चाहें तो कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो बेसिकली 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक वो है जिन्होंने मीटिंग बुलाई है. तो आपको स्टार्टिंग वही डेट से, मीटिंग की डेट, एंड देन मीटिंग स्टार्टेड एट दिस टाइम, देन जो भी जिनने मीटिंग बुलाई है सीनियर पर्सन ने उनका नाम दे दीजिए, उन्होंने आपको दिया इंट्रोडक्शन. उसके बाद पहला आप नाम दे दीजिए कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई जेड डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग. अब बात क्या है कि क्योंकि पेडमिक जो था उसके कारण हमको सीवियर लॉसेस हुए, तो उनको हमको ओवरकम करना है, तो हम क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं. तो आपको ये लिखना है, बस आपको पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि डायरेक्टर्स नेम एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग गेव द डिटेल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज टू बी अप्लाइड फॉर फ्यूचर मार्केटिंग. ये आपको लिखना है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट में लिखना है कि उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई. आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज बताई ये बिल्कुल नहीं लिखना है गाइस. देन रिटेल हेड, रिटेल मतलब क्या होता है, आपकी जो फूड चेन है कहीं ना कहीं से तो सप्लाई आता होगा गाइस, रिटेल कहीं ना कहीं से तो खरीदते होंगे, और ये आपका सप्लाई चेन हेड. कि सप्लाई चेन मतलब बाकी जो फूड आपके जो भी आपके चेन है अलग अलग स्टेट में, वो वहाँ पे सप्लाई करने को, ये वो सप्लाई चेन हेड है. तो गाइज रिटेल हेड का काम क्या रहेगा, कि वो बात करें कि कम से कम रेट में या कंट्रोल्ड बजट में हमारे जो मटेरियल्स है जिस जो फूड बनाने में यूज़ होता है वो आ सके. तो मिस्टर एक्स वाई जेड या वॉट एवर नाम रिटेल हेड गेव द डिटेल्स अबाउट द कंट्रोलिंग बजट्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ये लिख सकते हैं. सप्लाई हेड तो ये बताएंगे कि कैसे हम सप्लाई करने में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, सप्लाई कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो द मिस्टर एक्स वाई जेड, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं बार बार एक्स वाई जेड बोल रहा हूँ. सप्लाई हेड, सप्लाई चेन हेड रिव्यूड द कॉस्ट कटिंग इन द सप्लाई ऑफ मटेरियल टू वेरियस स्टेट, एंड देन प्रोक्योरमेंट पर्सनल. तो इनका काम क्या रहता है गाइस, मैंने बताया कि पूरा ओवरव्यू देखते हैं कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस हो रहा है. तो आप बोलेंगे कि मिस्टर एक्स वाई जेड प्रोक्योरमेंट पर्सनल आइडेंटिफाइड द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑकर्ड इन लास्ट, अपने मन से लास्ट 6 months टू ओवरकम इन द फ्यूचर. ये आपका हो गया. तो गाइज ये कुछ डिस्कशंस हुए. मैं डिटेल्ड आंसर आपको, हाँ डिटेल्ड आंसर जो हमारे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बाय टुनाइट आपको अवेलेबल हो जाएंगे. तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस आंसर्स को देख सकते हैं, और उस चैनल का लिंक गाइज इस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड देन ये तो आपका हो जाता है कि कौन से जो मीटिंग के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा. और गाइज एंड में 2-3 चीज़ें आती हैं. एक तो आता है कि क्या क्या चीजें फाइनलाइज हुई, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भैया कि फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फाइनलाइज्ड एंड कॉस्ट कटिंग फॉर रॉ मटेरियल्स पुट फॉरवर्ड
एंड देन लास्ट में एक आता है गाइज एटीआर टू बी सबमिटेड, मतलब ये जो जितना भी आपने डिस्कशन किया मीटिंग में, कुछ एक्शन लेने की बात हुई होगी तो वो एक्शन लिया जा चुका है उसका एक रिपोर्ट देना रहता है। तो एटीआर टू बी सबमिटेड विद इन 6 days या कुछ 2-3 दिन का गैप लेने के बाद आपको एटीआर सबमिट करना रहता है। और लास्ट में गाइज आता है साइन, किसका आता है गाइज हमेशा मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखता कौन है मोस्ट ऑफ द टाइम, सेक्रेटरी। जैसे आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे तो उसकी सेक्रेटरी ही मीटिंग के मिनट्स लिखते हैं, आप खुद नहीं लिखते हैं। तो साइन और नीचे में सेक्रेटरी आ जाएंगी। तो गाइज ये आपका हो गया मिनट्स ऑफ मीटिंग। एंड ऑप्शन में दिया है गाइज रेज्यूमे, मैंने हमेशा से कहा है रेज्यूमे स्किप करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन आप समझिए, प्रिपेयर अ कवर लेटर एंड अ डिटेल रेज्यूमे, मतलब आपको एक कवर लेटर भी बनाना है और आपको रेज्यूमे भी बनाना है। डेट मीन्स एक पेज का कवर लेटर, 2 पेज का रेज्यूमे, 3 से 4 पेज का आपका ये आंसर हो जाएगा, और आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 5। तो अगर आपको बनाने ही हैं तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए, तो आपको एक पेज में 5 मार्क्स मिल रहा है और यहाँ 4 पेज में 5 मार्क्स। तो गाइज ये मैंने हमेशा से कहा है रेज्यूमे को स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे कभी अकेले नहीं आता, हमेशा उसमें कवर लेटर भी आता है। और गाइज ये है एक फॉर्मेट फॉर अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट इन सीए फॉर्म। तो गाइज ये वाला जो रेज्यूमे है ये भी स्ट्रेट फ्रॉम द बुक है, सीए कैंडिडेट का एक रेज्यूमे है, ये आपको बुक पे अवेलेबल है तो आप बुक से देख सकते हैं। बट मेक श्योर गाइस कि एग्जाम में आप ट्राई करें कि रेज्यूमे अगर आए तो उसको आप स्किप करने की कोशिश करें, टाइम टेकिंग ज्यादा है, मार्क्स ओरिएंटेड कम है। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। आते हैं गाइस 4th क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का आपको डिफरेंस लिखना है। मेक श्योर कि अपना ओल्ड स्कूल वे जो होता है कॉलम बना के आप डिफरेंस लिखे, अच्छा दिखता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये भी गाइस स्ट्रेट फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है, आपको बस ये करना है कि एक साइड वर्टिकल एक साइड हॉरिजॉन्टल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, हायरार्की को फॉलो किया जाता है। हॉरिजॉन्टल में सब कोलीग होते हैं, तो उसमें कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है, ऐसा होता है। तो गाइज ये आपको बुक में अवेलेबल है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सूटेबल एंटोनिम, एस्टेसी का एंटोनिम। गाइज एस्टेसी मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो ऑप्शन क्या क्या है, हेट, हेट मतलब तो हो जाएगा खुशी का बेसिकली होना चाहिए, गम है ना, तो हेट का तो बेसिकली हो जाएगा नफरत, तो ये तो नहीं लग रहा। गाइज एग्नी मतलब होता है पेन, ये हो सकता है, आगे के 2 ऑप्शन देते नहीं तो यही आंसर है। लैंगर, गाइज लैंगर मतलब होता है थक, मतलब टायर्ड, टायर्डनेस। एंड देन फटीक का भी वही टायर्ड, तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों का मतलब तो टायर्ड है। तो आंसर इज गाइज बी, क्योंकि हेट मतलब तो होता है नफरत, तो हैप्पीनेस का नफरत तो नहीं होगा, हैप्पीनेस का हो सकता है पेन, तो एग्नी मतलब पेन गाइज, तो इसका आंसर होगा बी। रीराइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में लिखना है ही हैड केप्ट अप हिज डाइट। गाइज सिंपल सा लॉजिक है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, वर्ब आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट और टेंस। हेड है मतलब कौन सा टेंस है, हेड है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैड केप्ट अप हिज डाइट प्रोग्राम फॉर अ मंथ, तो आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया ही, हेड से आपको पता चल गया टेंस, केप्ट अप गाइज हो गया, केप्ट बेसिकली आपका क्या है वर्ब, केप्ट अप के साथ इसका एडवर्ब है तो ये हमेशा साथ में ही आएंगे। हिज डाइट प्रोग्राम आपको ऑब्जेक्ट है, तो ये होगा हिज, आंसर होगा गाइज हिज डाइट प्रोग्राम हैड बीन केप्ट अप फॉर अ मंथ बाय हिम। तो हिज डाइट प्रोग्राम हैड बीन केप्ट फॉर अ मंथ बाय हिम, ये आपका आंसर होगा। राइट द सेंटेंस हम पैसिव वॉइस का। गाइज ये फिर से मैं कहना चाहूंगा, एक्सेल की बुक में एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत सारे एक्सरसाइज है, अगर आप वो बनाए हैं तो ये इजीली बन जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास में कराया है, मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराया है, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। इसका आंसर तो मैंने क्लास में कराया है, शी एक्सक्लेम्ड, यहाँ जगह थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ ऊपर, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल
सीन, ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में ही किया हुआ है। चलिए गाइस, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट। आर्टिकल लिखना है आत्मनिर्भर भारत, या फिर रिपोर्ट लिखना है करंट कोविड सिचुएशन इन योर सिटी। तो गाइस, आर्टिकल रिपोर्ट में डिफरेंस समझिए। आर्टिकल मतलब होता है रिसर्च करके आप कुछ लिख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत जो नया अभियान आया है उसके ऊपर। और रिपोर्ट गाइस बेसिकली होता है रिपोर्ट एक बनाना है कि आपकी सिटी में कैसा सिचुएशन है। तो रिपोर्ट ज़्यादातर न्यूज़पेपर टाइप का होता है कि रायपुर सिटी की ही बात कर लिया, जैसे कि रायपुर सिटी में करेंटली इस दिन इतना केसेस आया और केसेस बढ़ते जा रहे हैं या कंट्रोल्ड है, जैसा भी। दोनों ही करेंटली रिलेटेड टॉपिक है, करंट अफेयर्स है। तो अगर आप करंट अफेयर्स से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं तो आप इसको लिख पाएंगे, और नहीं भी लिख पाए तो आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है। आपने तो एक बना दिया, एक आपने ये मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत अच्छा डुएबल क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से एक तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको बनाना ही था। अगर आप जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है हो तो बहुत अच्छे से ये आत्मनिर्भर भारत या कोविड वाला तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं सब, और 90% लोगों को तो अवेयर होना भी चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छे से डुएबल है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो ये बन सकता है गाइस, 250 to 300 वर्ड, मतलब लगभग एक पेज का बनता है ये। एक पेज से ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, 5 मार्क्स से आपको देके जाएगा। बट हाँ, आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है बहुत इसमें। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल कम्युनिकेशन। अगेन डायरेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन चैप्टर, डायरेक्ट फ्रॉम द बुक। विजुअल कम्युनिकेशन का क्या आप समझते हैं? तो विजुअल कम्युनिकेशन का जो पॉइंट है उस पूरे पॉइंट को आप उठा के लिख दीजिए, एक दो लाइन आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अपन। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड को बेस्ट एक्सप्रेस करता है, मतलब सिनोनिम गाइस। योकल, योकल, योकल मतलब क्या होता है? एक है इंटरव्यू, एक है सिंपल माइंडेड, एक है विक्टोरियस, एक है नॉइस। गाइस योकल मतलब ऐसा आदमी होता है जो गांव वगैरह का है, तो बेसिकली योकल का जो होगा वो होगा सिंपल माइंडेड। सिंपल माइंडेड गाइज, वैसे उसका मतलब होता है देहाती टाइप का, हिंदी में अगर बोले तो अपन उसको देहाती। यहाँ पे जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है वो हो रहा है सिंपल माइंडेड, आम आदमी जिनको ज़्यादा छल कपट नहीं आता, वैसा सिंपल माइंडेड इसका आंसर होगा। देन गाइज, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। द विमेन डैश माई हाउस वॉज अ क्रिमिनल। तो द विमेन टू हुम आई सेल्ड, सेल्ड तो गलत है, सेल का सोल्ड होता है। द वुमेन टू हुम आई सेल होगा क्या? नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे वॉज है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो सही आंसर है सी, द वुमेन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ क्रिमिनल। गाइस ये इसलिए हुआ क्योंकि सोल्ड इसलिए आया क्योंकि वॉज है और पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सही आंसर इज सी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पैसिव। आई कीप द बटर इन द फ्रिज। आई सब्जेक्ट, कीप वर्ब द बटर ऑब्जेक्ट। और कौन सा, अगर आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज बाय मी। गाइज ये आपका आंसर है क्वेश्चन थर्ड का। देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। आर यू अलोन, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आज द सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, इसका आंसर यहां लिख रहे हैं गाइस। तो गाइस इंट्रोडक्टरी पार्ट पीछे दे दिया है और रिपोर्टेड पार्ट सामने दिया है, तो अपन को आंसर में तो इंट्रोडक्टरी पार्ट सामने ही आएगा। तो ये होगा अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें आता है इफ। द अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्ट इफ। आर यू अलोन माई सन, तो इफ मी है तो इफ आई वॉज अलोन। अगेन जो जिसने भी अच्छे से लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी। सो गाइज ये हो गया आपका कम्युनिकेशन से, हो गया कुछ ग्रामर पोर्शन ऑफ वोकेबलरी हो गया। देन यू आर एक्स वाई जेड सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एबीसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ड्राफ्ट एंड इंक्वायरी लेटर गाइस, लेटर वेरी इजी, इंक्वायरी लेटर टू एएसडी इंटरप्राइजेस रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ लेजर प्रिंटर्स 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 3 कलर अबाउट देयर प्राइस फीचर वारंटी एंड सर्विंग डिटेल। इंक्वायरी लेटर का एक टाइप होता है लेटर का, उसको बताया गया है कि आप
कैसे स्टार्ट करते हैं गाइस? पहले तो आपको पता चल गया है, फॉर्मेट याद होना चाहिए, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सेंडर्स एड्रेस, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो गाइस फॉर्मेट जो होता है, पहला आता है सेंडर्स एड्रेस, देन होता है डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस। तो गाइस सेंडर्स कौन है? यू आर एक्स वाई जेड सीनियर मैनेजर ऑफ एबीसी सॉल्यूशन, तो ऊपर में आएगा एबीसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सीनियर मैनेजर, इतना आएगा। फिर आ जाएगा डेट, और आप रिसीवर एड्रेस क्या है, ड्राफ्ट एन इंक्वायरी टू एएसडी एंटरप्राइजेस, कुछ इसका डेजिग्नेशन नहीं दिया, तो आप बस एएसडी एंटरप्राइजेस और एड्रेस आपको अपने मन से कुछ भी फिक्शनल एड्रेस लिख देना है। देन सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट लेजर प्रिंटर्स, ब्लैक एंड व्हाइट कलर वो अपन नीचे ऐड कर देंगे, तो इंक्वायरी अबाउट लेजर प्रिंटर्स। देन आपका आप लेटर स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले गाइस मैंने बताया हमेशा इंक्वायरी लेटर में क्या करना रहता है कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन फॉलोइंग डेटेड ऑन फॉलोइंग न्यूज़पेपर या जहां से भी, आई विश टू इंक्वायर फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ लेज़र प्रिंटर्स, ये आ गया। उसके बाद आप थोड़ा डिटेल दे देंगे कि हमको ब्लैक एंड व्हाइट इतने चाहिए, कलर इतने चाहिए, और रीज़न बता सकते हैं आप कि हमको क्यों चाहिए। हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें हमको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमको बहुत सारे प्रिंटर्स की ज़रूरत है, ये आप रीज़न दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आप क्वेश्चन, जो भी इंक्वायरी करेंगे वो बुलेटेड पॉइंट्स में होना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी कर दिया, पहले से ही मैंशन कर दिया पॉइंट्स, तो आपको प्लीज़ प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डिटेल्स, द प्राइजेस, द फीचर्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल, प्राइज एंड डिस्काउंट अवेलेबल, वारंटी पीरियड, आफ्टर सेल्स सर्विसिंग, और फिर ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनाना ही चाहिए, मेरे हिसाब से थर्ड क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन तो मैंने कंपल्सरी बोला ही था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कौन सा बनाना था? मेरे हिसाब से ईजी जो होता वो होता थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ में आपको कोविड सिचुएशन या आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिखना है, इजी ये भी है बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है क्योंकि आपको सोच सोच के ज़्यादा लिखना है, और इसमें अगर आप मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखेंगे तो ये थोड़ा जल्दी होने के ज़्यादा चांसेस है। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है गाइस? तो ये मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट ये करने थे, कौन से, फोर्थ को आप छोड़ सकते थे, फिफ्थ और थर्ड। और सेकंड क्वेश्चन गाइस कंपलसरी है, तो सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंपलसरी है, देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लैरिटी एंड कोहेरेंस? अगेन डायरेक्टली क्लैरिटी आपको बुक में क्लैरिटी नाम से नहीं दिखेगा, क्लियर नाम से दिखेगा, और कोहेरेंस कोहेरेंट नाम से दिखेगा। तो ये अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, देखते हैं वर्ड मीनिंग। एबेंस गाइस, एबेंस मतलब होता है किसी आदमी को सस्पेंड करना, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, सस्पेंशन। देन मॉर्बिड गाइस, मॉर्बिड आपको क्या बोला है, एंटोनिम। मॉर्बिड मतलब होता है अनहेल्दी आदमी, और इसको मतलब होता है हेल्दी। मैं देख रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन पेपर अभी तक मेन जो एग्जाम हुए हैं उससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर है एंटोनिम सिनोनिम का इस मॉक टेस्ट पेपर का। नो वरीज, आप जितना हो सके मॉक टेस्ट जितना हो सके आप एंटोनिम सिनोनिम जहाँ से पढ़ सके पढ़िए, क्योंकि इसका तो कोई है नहीं कि कहाँ से आ जाए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस, शी हैज प्रिजर्व ऑल द ओल्ड लेटर्स ऑफ हर डेड लवर। तो गाइज इसका आंसर होगा क्या, ऑल द ओल्ड लेटर्स ऑफ हर डेड लवर, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑल द लेटर्स ऑफ हर डेड लवर हैज बीन, तो हैज बीन नहीं आएगा, ये मैं गलत लिख रहा था, हैव आएगा यहाँ पे। और हैव आने का रीजन क्या है, क्योंकि लेटर्स मतलब हो जाता है प्लूरल, ऑल द ओल्ड लेटर्स है तो हो जाता है प्लूरल, तो हैव बीन, तो ऑल द ओल्ड लेटर्स ऑफ हर डेड लवर हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय हर, ये गाइज आपका आंसर। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अगेन, पिंकी सेड, गौरव विल यू हेल्प मी इन माय वर्क जस्ट नाउ। जितने भी देखा जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, तो गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाकियों से थोड़ा सा समझने में, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो बहुत अच्छे से ट्राई कर लीजिए। पिंकी सेड टू गौरव, तो पिंकी हो जाएगा आस्क्ड गौरव, पिंकी आस्क्ड गौरव,
विल यू हेल्प, तो इफ आ जाएगा, इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट नाउ का हो जाता है देन फुल स्टॉप. तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर. राइट अ प्रेसी एंड गिव एप्रोप्रिएट टाइटल. प्रेसी लिखना है और उसका एक एप्रोप्रिएट आपको टाइटल देना है. तो देयर इज एन मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, तो आप बेसिकली, मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये पैसेज पढ़ चुके हैं. ठीक है गाइस, तो ये पैसेज बेसिकली दिया अर्थक्वेक के बारे में, और अर्थक्वेक के बारे में दिया है ये पैसेज. आपको इसका प्रेसी लिखना है. तो ये मोटा मोटी लगभग 350 वर्ड का है, और 350 का अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो प्रेसी जो होता है वो 1/3 होता है. तो लगभग 100-120 वर्ड के आसपास का आपको प्रेसी लिखना है गाइस. और अर्थक्वेक के बारे में ये प्रेसी है, बहुत वैसे प्रीटी मच इजी प्रेसी है ये. और प्रेसी मैंने एक बहुत इजी वे बताया है प्रेसी लिखने का, कि आप पूरे इस पैसेज को पढ़ लीजिए और उसको अपने मन में आग बंद करके हिंदी में आप उसका एक प्रेसी बनाओ. पहले हिंदी में अपने मन से बना लो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, अपने आप वो शॉर्ट एंड सिंपल प्रेसी हो जाता है. तो अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया है कि अर्थक्वेक जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक क्या है, एनिमी है, जो कि बिना बताए किसी रिलीजन या किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखता, डायरेक्ट आ जाता है और बहुत पावरफुल होता है. जो द पावर ऑफ क्वेक इज ग्रेटर देन एनीथिंग मैन हिमसेल्फ कैन प्रोड्यूस. तो ऐसा चीज़ है जो बहुत पावरफुल है, जो किसी ने देखा भी नहीं, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सके कि हम डील कर सके अर्थक्वेक को, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. और अर्थक्वेक बिना वार्निंग के आता है, बहुत इमेंस पावर रहता है, बहुत डिस्ट्रक्शन मचाता है. गाइज स्किप क्या कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ इस बेसिकली पैसेज में. स्किप आप ये कर सकते हैं कि ये जो दिया है ना गाइज, कुछ कुछ 400 किल्स, ये जो डिटेल्स या कौन से ईयर में कहाँ पे आया था, ये गाइज हमेशा स्किप किया जा सकता है. जो भी गाइज जो नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं ये हमेशा स्किप किया जा सकता है. और आपको बताना है कि अर्थक्वेक आया, लैंड पे उसका क्या इफेक्ट रहता है, रिवर पे क्या रहता है, सी साइड पे क्या रहता है, माउंटेन्स पे क्या रहता है, तो वो आपको बताना है. एंड देन जो थोड़ा बहुत एंड में इसमें दिया है कि अभी तक हमको बस ये पता है कि दे आर डीलिंग विथ फोर्सेस सो इमेंस दैट मैन कैन नॉट होप टू रेजिस्ट. ऑल दैट कैन बी डन इज टू ट्राई टू पिन पॉइंट जस्ट वेयर द अर्थक्वेक विल स्ट्राइक. अभी तक हम बस इतना कर सकते हैं कि कहाँ से आ सकता है, ये अभी बस गेस कर सकते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर पहले से ले सकते हैं. तो ये एंड में ज़रूर आप तो इसको इंक्लूड करिए. इसका डिटेल्ड आंसर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ ही देर पे आपको मिल जाएगा. तो गाइज ये वैसे प्रेसी बहुत इजी था, बहुत अच्छा, बहुत इजी डूएबल था, और मैं इसलिए कहता हूँ कि प्रेसी वाला पार्ट आप हमेशा उसको बनाइए ही. तो गाइज ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन. आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको हमेशा हमेशा और हमेशा एंड में ही बनाइए, क्योंकि बहुत लंबा लंबा आपको पैसेज पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है. तो गाइज फर्स्ट पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस बिलो. आपको पैसेज पढ़ना है, आंसर करना है. अगेन आई एम एज्यूमिंग कि आप पैसेज पढ़ चुके हैं. तो इसमें एजुकेशन के बारे में दिया है, एजुकेशन कैसी है इंडिया में, क्या चल रहा है, एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड कैसे क्या कर रहे हैं, उस सब बारे में दिया है. आते हैं गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे. तो इसके गाइस क्वेश्चन आंसर को बनाने का एक बचपन से अपन ट्रिक करते हैं, क्या कि अपन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे दिख रहा है वहीं पे आंसर मिलेगा. तो ऐसा बहुत बार गोल लग भी जाता है, कई बार नहीं भी लगता है. तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो वर्ड आपको जहाँ पे मिला वही पैराग्राफ आंसर है. आप मेक श्योर कि उस पैराग्राफ के ऊपर का और नीचे का थोड़ा सा पढ़े, उसके बाद आंसर लिखिए. पहला क्वेश्चन है वाई इज क्वालिटी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन अ डिस्टेंट गोल. तो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन अभी भी दूर का गोल क्यों है? तो डिस्टेंट गोल अगर आप खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में, बट इसके ऊपर इसका रीजन नहीं दिया है. आपको रीजन मिलेगा नीचे वाले पैराग्राफ में. क्या? देयर इज येट नो लेजिस्लेशन और एट द नेशनल लेवल टू अफर्म द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. द नंबर ऑफ स्कूल बिल्डिंग फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉल फार शॉर्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड सो डज द नंबर ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स. गाइज आपको आंसर मिला ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर वन का. बस आपको फ्रेम करना है द क्वालिटी स्कूल एजुकेशन इज अ डिस्टिंक्ट गोल बिकॉज ये पूरा यहां से यहां तक, ये आपको फर्स्ट आंसर. मेक श्योर कि आप आंसर को फ्रेम करके लिखें. चलिए गाइज
नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर व्हेन ही रिमार्क्स इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ नॉलेज रिवॉल्यूशन. जब वो जब राइटर कह रहे हैं कि इंडिया नॉलेज रिवॉल्यूशन के एकदम कगार पे है, तो उनका टोन कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक है, इमेजिनेटिव है, सरकेस्टिक है या प्रिजम्पशियस है? तो गाइज देखते हैं पहले तो ये बोल कहाँ पे जा बोला कहाँ पे जा रहा है. तो गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मिला फोर्थ पैराग्राफ में, इट वुड अपियर इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ नॉलेज रिवॉल्यूशन. तो ये तो बोला बोला यहाँ पे गया है, मिलेगा तो ऊपर से कहीं पे, तो देखते हैं कि कहाँ पे मिल रहा है. तो क्वेश्चंस अराइज इवन ओवर द स्टैंडर्ड अप्लाइड बाय सीबीएसई. सीबीएसई जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन अराइज होता है. गोइंग बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग 90% और मोर इन देयर हायर सेकेंडरी एग्जाम. अगर हम इन हायर सेकेंडरी एग्जाम में बच्चों की क्वांटिटी देखें जो 90% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो किसके कगार पे है? रिवॉल्यूशन के कगार पे. तो गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली एक सरकेस्टिक टोन है कि अगर, क्योंकि सरकेस्टिक गोइंग बाय द नंबर से नहीं पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि क्वेश्चन अराइज, इनके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है. तो क्वेश्चन अराइज होता है ये बोल रहा है, मतलब नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव से रिलेटेड क्या दिया? सरकेस्टिक. तो इसका आंसर होगा सरकेस्टिक टोन. गाइज नेक्स्ट इज व्हाट आर सम स्टेट्स डूइंग फॉर एंश्योरिंग गुड परफॉर्मेंस. ये तो स्टेट आपको दिख जाएगा कहाँ पे ये दिया है. गाइज सम स्टेट्स आर ओवरली लीनियंट इन मार्किंग, ये देखिए फॉर गुड परफॉर्मेंस. तो ये आपका आंसर, आंसर टू, सॉरी टू एमसीक्यू था, ये है आंसर थ्री. तो क्वेश्चन इज व्हाट आर सम स्टेट्स डूइंग फॉर एंश्योरिंग गुड परफॉर्मेंस. तो फॉर एंश्योरिंग गुड परफॉर्मेंस सम स्टेट्स आर ओवरली लीनियंट इन मार्किंग आंसर पेपर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन व्हाई डू टीचर्स अपोज द न्यू टेक्स्ट बुक्स. अगर बहुत अच्छे से आपने पैसेज पढ़ा है, नए टेक्स्ट बुक को टीचर अपोज क्यों कर रहे हैं? तो गाइस यहाँ पे टीचर्स डू नॉट लाइक टू कंपेल टू लुक एट टेक्स्ट बुक्स दे आर नॉट फेमिलियर टू. तो टीचर्स इसलिए कंपेल या फिर अपोज करें क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से फेमिलियर नहीं है. तो आंसर क्या लिखना है गाइस? टीचर आर अपोजिंग या फिर टीचर्स अपोज द न्यू टेक्स्ट बुक बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद देम. तो ये आंसर आपका हो गया, फोर्थ का आंसर आपको यहां से मिल गया गाइस, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. एंड देन लास्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्राइड. तो स्ट्राइड वर्ड आपको कहाँ पे दिखने को मिल रहा है? स्ट्राइड वर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में, द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स मेड बाय सर्व शिक्षा अभियान. स्ट्राइड मतलब बेसिकली होता है एक अच्छा बड़ा स्टेप, तो यहाँ पे होगा अलॉन्ग स्टेप. ये फिफ्थ का आंसर अलॉन्ग स्टेप. गाइज ये मॉक टेस्ट पेपर है, बट मेन जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर में हमेशा से देखा गया है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में तीन क्वेश्चन आंसर आते हैं और एक एक मार्क का और दो मार्क का आता है समरी. ये एमसीक्यू जो इसमें दो दिया है ये ऐसा मेन एग्जाम में नहीं देखा गया है, उसमें आता है समरी. तो लेट्स सी अगर थोड़ा बहुत चेंजेस अगर इस बार हो जाए तो, बट अभी तक तो ये चेंजेस नहीं देखा गया. ये आपका अब लास्ट है. अगर आप फिर से मेरी बातों पर जाएंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को पैसेज वाले क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें तो ही आप इसको जल्दी बना पाएंगे. तो मेक नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशन. गाइज एब्रीविएशन दिया है तो इसका की लिखना बहुत जरूरी है. दो मार्क आपको नोट में मिलेगा, तीन में से दो मार्क नोट, एक मार्क आपको मिलेगा एब्रीविएशन में, और फिर आपको लिखना है समरी. और बहुत अगर आप नोट अच्छे से लिख लिए तो समरी लिखना बहुत ईजी हो जाता है. अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी बहुत ईजी सा पैसेज दिया गया है नोट मेकिंग के लिए भी. हार्ड नहीं है, कोई भी एकदम हार्ड वर्ड यूज नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी बात है. इजी वर्ड्स यूज किए गए हैं ताकि आप नोट इजीली बना सके. और बहुत ज़रूरी है कि मैंने इस पैसेज में आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप इसकी हेडिंग गलत बना सकते हो. उसका रीज़न है कि स्टार्टिंग के इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग. तो आपको लगेगा कि स्पीकिंग के बारे में, क्योंकि बोला है कि स्पीकिंग डिपेंड ऑन इफेक्टिव लिसनिंग. बट जब आप पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ोगे तो ये बेसिकली स्पीकिंग के बारे में नहीं है, ये है इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में. तो टाइटल भी तो बनाना रहता है, तो टाइटल आप अगर इफेक्टिव स्पीकिंग बना दोगे तो गलत हो जाएगा. जो टाइटल होना चाहिए वो लिसनिंग से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग. तो हाउ टू बी अ इफेक्टिव लिसनर वुड बी अ वेरी गुड आपका टाइटल, हाउ टू बी अ इफेक्टिव लिसनर. ठीक है गाइस, तो ये हो सकता है. तो और अगर आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने जो आइडेंटिफाई किया है इस पैसेज में, बेसिकली तीन हेडिंग बन रही है गाइस. पहले कि लिसनिंग को किस पे डिपेंड करता है, और जो कि आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ से मिलेगा, और इसी फर्स्ट पैराग्राफ से आपको दूसरी हेडिंग भी मिलेगी विच इज़
इनकम्पिटेंट लिसनर, इनकम्पिटेंट लिसनर मतलब गलत लिसनर की क्या क्या गलतियां होती है, वो सेकेंड हेडिंग, उसके अंदर पॉइंट। और गाइज उसके बाद जो बाकी के जो पैराग्राफ है, ये सारे जो आएंगे, ये सारे आएंगे, ये आएंगे हाउ टू बी अ मोर इफेक्टिव, हाउ कैन अ लिसनर बी मोर इफेक्टिव के अंदर के सारे पॉइंट्स है। तो हाउ टू बी मोर इफेक्टिव के अंदर के सारे पॉइंट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड हेडिंग बनेगी हाउ टू बी मोर इफेक्टिव, हाउ टू बी मोर इफेक्टिव जो आपकी थर्ड हेडिंग बनेगी उसके अंदर एक एक पॉइंट आते जाएगा, एक एक सब हेडिंग आएंगी और उसके अंदर सब पॉइंट आएगा। तो सब हेडिंग में आप एक डिटर्मिनेशन, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स, फिर कंसंट्रेशन, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स, फिर नोट मेकिंग, नोट टेकिंग सॉरी, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स, एंड देन पोस्चर और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स। तो बेसिकली इसमें अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो तीन हेडिंग है और जो थर्ड हेडिंग है उसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग और सब सब पॉइंट्स आने वाले हैं। तो गाइज ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर। अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखूं और अगर बताना चाहूं कि हार्ड है, इजी है, मीडियम है, तो गाइज बेसिकली ये मीडियम क्वेश्चन पेपर है। मेरे को जो छोड़ा बहुत जो टफ लगा वो मेरे को टफ पार्ट लगा वोकेबलरी के कुछ कुछ वर्ड्स। मेरे को ऐसा लगता है आप लोग के हिसाब से कुछ थोड़े से दो तीन वर्ड थोड़े से टफ होंगे, बट स्टिल आपके पास क्योंकि एमसीक्यू है तो आपके पास चांस है कि आप 25% आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का गाइस स्टैंडर्ड तो बेसिकली मीडियम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। वॉइस और ग्रामर की बात करें, अगर अपन स्टार्टिंग से ग्रामर में एंटोनिम सिनोनिम थोड़े से हार्ड थे और इडियम्स फ्रेजेस इजी थे, वॉइस और स्पीच तो वेरी इजी थे, कम्युनिकेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे। और आप ये ऐसा क्वेश्चन पेपर था जिसको आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो और 35 प्लस मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हो, क्योंकि रेज्यूमे में भी अगर आप देखेंगे रेज्यूमे के साथ ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन बहुत दिए हैं, रेज्यूमे के साथ ऑप्शन दे दिया है मीटिंग का जो आपको बना लेना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बनाना था इस क्वेश्चन पेपर में, आप फोर्थ क्वेश्चन छोड़ सकते थे, तो वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और आप फिफ्थ क्वेश्चन इसमें बना सकते थे। तो गाइज ये डिस्कशन हो गया आपका क्वेश्चन पेपर का, इसका डिटेल्ड आंसर मेरे द्वारा आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा बाय टुनाइट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और गाइज मैं फिर से कहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर वैसा ही आया है जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो जिस बच्चे ने उस पैटर्न को देखा होगा, उस वीडियो को गो थ्रू किया होगा, उसने इस मॉक टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को समझे, और जब आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ जाते तब आपकी तैयारी उस हिसाब से बहुत अच्छे से होती है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे थे उनके लिए मैं जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गाइस कम्युनिकेशन, ग्रामर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, देन नोट मेकिंग आता ही है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज आता ही है, एंड देन राइटिंग पार्ट में गाइस लेटर, ईमेल, सर्कुलर, मेमो इजी रहता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बहुत इजी रहता है। जो दो पार्ट में बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो होता है रेज्यूमे और आर्टिकल रिपोर्ट। तो रेज्यूमे पार्ट अगर ऑप्शन में आ रहा है तो दूसरा चीज़ आप बना सकते हैं, और आर्टिकल रिपोर्ट अगर इजी आ गया तो डूएबल रहता ही है। बच्चे इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि लेंदी हो जाता है और उसमें सोच के लिखना पड़ता है। सो गाइज मोटा मोटी ये आपका एमटीपी का पूरा डिस्कशन हो गया और कैसे क्या करना था, कैसे आंसर्स लिखने थे, ये मैंने आपको बता दिया है। ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर लगभग 1 घंटे 10 मिनट में बन जाता अगर आप अच्छे से पढ़ के इस पे बैठे हैं, तो 1 घंटे 10 मिनट में ये BCR का क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छे से बन सकता था। गाइज आई होप आपका रिविजन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा हो, और एक्सेल के बच्चों और मेरे सारे जितने भी हिंदुस्तान के सारे बच्चे हैं उनके लिए एक्सेल हमेशा ही अवेलेबल रहा है। आप इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको BCR से रिलेटेड और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम आपको जितने से ज़्यादा वीडियोस के थ्रू हेल्प हो सके हम ज़रूर करें। गाइज थैंक यू, मैं आप बहुत अच्छे से रिविजन करें, एंड बेस्ट विशेज फ्रॉम एक्सेल एंड फ्रॉम मी। थैंक यू।